नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर, स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्टर्स के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन में सुधार के उद्देश्य से डिजिटल अनुभवों के साथ मेटावर्स में अपना विस्तार करने की कोशिश कर रही है। फर्म ने अनाउंस किया है कि वह पैनकेक एम्पायर टावर टाइकून को ऑनलाइन गेम प्लेटफॉर्म रोब्लॉक्स के साथ साथ डिसेंट्रलैंड में ब्लूम ओरामा लॉन्च करेगी। ब्लूमोरामा एक इमर्सिव मेटावर्स एक्स्ट्रावेगेंजा है जिसमें वेरिएबल्स, कस्टमर इमोट्स, माइंडफुल म्यूजिक, एक्शनेबल फाइनेंशियल टिप्स के साथ गेमिफाइड क्वेस्ट का कॉम्बिनेशन है और एक फिडेलिटी ब्लूम सेव अकाउंट में बड़ी रकम जीतने का मौका है। ब्लूमोरामा को विजिट करने वाले डिसेंट्रलैंड के यूजर्स क्विजेस को कंप्लीट करते हुए सेविंग, स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट एडवाइस प्राप्त करने के लिए हेज लेबरिंथ को एक्सप्लोर करेंगे। एक पावर पेटल सूट, बेबीज बूस्ट पैक, बेबी शेड्स और ब्लूमो विजन सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध हैं। जो लोग ब्लूमोरामा में एक्टिविटीज को पूरा करते हैं वो फिडेलिटी ब्लूम के जरिए $25,000 जीत सकते हैं। ये एक फाइनेंशियल प्रोग्राम है जो यूजर्स को अपनी सेविंग्स करने में मदद करता है। दोनों डेब्यू पिछले साल डिसेंट्रलैंड में कंपनी के फिडेलिटी स्टेक के निर्माण के बाद हुए, जिसमें एक डांस फ्लोर और एक रूफटॉप गार्डन शामिल था। ये एक्सपीरियंस उसी समय शुरू हुआ जब फिडेलिटी ने क्रिप्टो बिजनेस और मेटावर्स पर केंद्रित दो ETFs लॉन्च किए। फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट के पास 2022 के अंत तक एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में $10 ट्रिलियन से अधिक थे, जिसने पिछले साल के अंत में कई प्रकार की मेटावर्स सर्विसेज के लिए ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस भी सबमिट किए। डॉक्यूमेंट्स में NFT मार्केटप्लेस के लिए प्लान्स भी शामिल हैं। हालांकि ट्रेडमार्क फाइलिंग के बारे में बात करना अभी जल्दबाजी होगी। एक फिडेलिटी प्रवक्ता ने बताया कि वे मीटिंग कस्टमर्स वेयर दे आर के कंपनी के चल रहे कंटिन्यूस फोकस को हाईलाइट करते हैं। फरवरी 2022 में JP Morgan ने डिसेंट्रलैंड में एक वर्चुअल लाउंज खोला। बैंक ने उस समय जारी किए गए एक रिसर्च में मेटावर्स की एनुअल इनकम अपॉर्चुनिटी $1 ट्रिलियन से अधिक होने का आकलन किया। उसी के अगले महीने थाईलैंड बेस्ड सियाम कमर्शियल बैंक और लंदन बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज जॉइंट HSBC ने सैंडबॉक्स मेटावर्स में वर्चुअल रियल एस्टेट खरीदा। उसी के साथ सिटी बैंक के एक्सपर्ट्स ने भी प्रेडिक्ट किया था कि मार्च 2023 में Web3 इकोनॉमी 2030 तक $8 ट्रिलियन और $13 ट्रिलियन के बीच होगी। फिर भी मेटावर्स अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। मेटावर्स की इकोनॉमी और कितनी बूम करेगी, कॉर्पोरेट्स उन्हें कितना अडॉप्ट करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर, आज के लिए इस खास सेगमेंट में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए 3.0 TV। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के साथ।